नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात किशोरावस्था की करने वाले हैं, क्योंकि किशोरावस्था बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे सर्वांगिक विकास के लिए। और इस बारे में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगी डॉक्टर उषा डिडवानिया। डॉक्टर साहिबा बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि किशोरावस्था इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किशोरावस्था जीवन का वह पड़ाव है जब किसी भी लड़की के मानसिक शारीरिक विकास में बहुत तेजी आती है, और यह 10 वर्ष की उम्र से 19 वर्ष की उम्र तक के पीरियड को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। और वैसे युवावस्था इसमें ओवरलैप करता है, 14-15 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष की उम्र तक के पीरियड को हम युवावस्था कहते हैं। तो आप, मैं चाहूँगी कि जैसे लड़कियाँ जो किशोरावस्था में होती हैं, तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमारे देश में इस उम्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाँव में कम उम्र में विवाह हो जाते हैं, 15 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक लगभग 40-50% लड़कियों की शादी हो जाती है। लगभग 25-26% लड़कियों की शादी तो 15 वर्ष की उम्र तक हो जाती है। तो कम उम्र में शादी, कम उम्र में बच्चे, और कम उम्र में उनके शरीर जब परिपक्व नहीं होते हैं और उनके संतान पैदा होती है, तो उनके शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इस उम्र की लड़कियों में बुद्धि की मैच्योरिटी भी कम होती है, और जिसके चलते हमारे यहाँ बहुत से इल्लीगल अबॉर्शन के इंसिडेंस मिलते हैं, और सेक्स का वायलेशन भी बहुत होता है, और ये अननेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसी का अबॉर्शन भी होता है, जिसके चलते बहुत इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, और उनको स्वास्थ्य संबंधी इसके कई समस्याएं होती है जिनका प्रभाव उनके शरीर पर पूरी जीवन भर पड़ सकता है। इसके अलावा उनके न्यूट्रिशन, हमारे यहाँ तो खान पान के भी लड़कियों के उस खान पान पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते उनके आगे का भविष्य भी समझिए कि कमज़ोर, शरीर कमज़ोर ही हो जाता है। लड़कियों को आगे जाके माँ बनना है, दूध पिलाना है बच्चे को, तो सब जगह उनके शरीर के अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्षय होता है, और उनको पहले से उनके शरीर के पोषक तत्वों की कमी होती है, और आगे जा कर के जब ये क्षय होता है तो उनका शरीर विशेष रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो मैम, देखा जाता है कि जब बच्चियां छोटी होती हैं, किशोरावस्था में होती हैं, तो उन्हें किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है? क्योंकि लड़कियों की समस्याएं ज़्यादा बात नहीं की जाती है, या फिर स्कूल में भी बहुत सारी समस्याएं होती, और स्कूल में भी इस बारे में बात करनी चाहिए। तो किस तरीके से, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मुझे लगता है कि बचपन से परिवार, माता पिता और स्कूल में भी शिक्षकों के द्वारा इन कुछ मुद्दे हैं इस उम्र की बच्चियों के लिए जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। पहला तो, इस उम्र में लड़कियों को मौका मिलना चाहिए कि उनकी सुरक्षित और सपोर्टिव ऐसा वातावरण मिले जहां वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को किसी से साझा कर सकें, जहां से उनको सही परामर्श मिल सके। फिर उनको स्वास्थ्य के संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो जिसके उसके लिए भी वो खुल के बात कर सकें, अपनी माँ से कर सकें या अपनी टीचर से कर सकें, और उनको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अगर कोई स्ट्रेस होता है तो उसके लिए उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। यह उनका
अधिकार भी है, उन्हें नैतिक मूल्यों का ज्ञान मिले, उन वो परिवार और देश के प्रति उनको क्या कर्तव्य है उसके प्रति उन्हें जागरूकता हो। उसके अलावा अगर उनको कोई और बीमारी या उसकी उनके व्यवहार, जो कि आजकल बच्चों में बहुत इराटिक व्यवहार हम लोग देखते हैं, बहुत उद्दंड कुछ हो जाते हैं, तो अगर इस तरह की समस्या है तो उसका भी बहुत सावधानी से समाधान इसी उम्र में निकालना आवश्यक है। इसके अलावा भी कोई समस्याएं होती हैं, जैसे कि जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि पीरियड्स को लेकर भी ये समस्याएं होती हैं, तो पीरियड्स में अगर ये समस्याएं हो रही हैं तो किस तरीके से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, उनको बच्चियों को जब मासिक शुरू होता है उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है, वो तो डर जाती हैं कि क्या हो रहा है, तो ऐसे समय में उनको माँ के तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए और माँ उन्हें सारी बातों को अच्छे से समझाएं और बताएं कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर का जो मैच्योरिटी होने पर होता है और उसमें कैसे स्वच्छता रखनी है जिससे कि वो जेनाइटल इन्फेक्शन से बच के रह सकें, वो बताना माँ का काम होता है। और इस प्रकार उन्हें और भी अनेक बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है और उनको अगर कोई तरह का मासिक का प्रॉब्लम होता है, अधिक होता है, बहुत बार हमारे पास बच्चियाँ आती हैं जिन्हें लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है या कभी बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही, तो उन्हें जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में कई एक बीमारियाँ भी होती हैं जो मासिक का अनियमितता पैदा कर सकती हैं, तो वहाँ डॉक्टर से मिलें और उसका उपचार कराएं और उनके खान पान पर और उनके सेहत पर कभी भी नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आप इस उम्र के बारे में आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर उषा डिडवानिया को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। किशोरावस्था किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी समय किसी का सर्वांगिक विकास होता है और उसी समय निर्धारित होता है कि क्या क्या बदलाव होती है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।